जरूर बताऊंगी। ओके सो दूर बचे अपने संबंधियों, मित्रों, परिवारजनों तथा कभी कभी विभिन्न अधिकारियों को पत्र लिखने की आवश्यकता रहती है। पत्रों के द्वारा हम अपनी बात अत्यंत सुगमता से उन तक पहुंचा सकते हैं। तो दूर बचे जो हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे सगे संबंधी हैं, तो उनको हम पत्र के माध्यम से, क्योंकि पुराने जमाने में तो आपको पता है उस समय कोई टेलीफोन या नहीं था, लेकिन आज टेक्नोलॉजी के साथ जी रहे, आज हम यहाँ से बैठकर नहीं भी फोन पर वीडियो कॉल हम इंसान को देख सकते हैं, आमने सामने बात कर सकते हैं। और कहीं की जैसे पहले पेपर में पत्र में तब हमें पता चलता था, लेकिन आज तो हमारे सोशल मीडिया साइट इतना आगे बढ़ चुका है कि हमें तुरंत ही पता चल जाता है कब कहाँ कैसा हो रहा है। तो हम अपने मित्रों को, लेकिन जैसे हमें कहीं जॉब के लिए जाना है तो आज भी इसका महत्व अभी भी कम नहीं है। लोग अभी भी क्या करते हैं, अभी भी जॉब के सिलसिले में हैंड से अपने हाथ से लिखा हुआ पत्र देखा जाता है, मांगा जाता है। सो अपने हाथ से जो पत्र लिखते हैं और वहाँ पर भेजते हैं। आपके नगर में कहीं गंदगी ज्यादा फैली हुई है तो उस जगह भी हम क्या करते हैं, पत्र का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम हमारे कुछ अधिकारी को पत्र लिख सकते हैं, अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ठीक है, यद्यपि आजकल दूरभाष, यद्यपि आजकल दूरभाष यानी टेलीफोन, तार यानी टेलीग्राम, ईमेल, इंटरनेट, मोबाइल फोन आदि द्वारा भी यह कार्य किया जाता है, फिर भी पत्रों का महत्व कम नहीं हुआ है, क्योंकि पत्र के द्वारा विस्तार से हम अपनी बात व्यक्त कर सकते हैं। पत्रों में हम क्या कर सकते हैं, विस्तार से अपनी बात व्यक्त कर सकते हैं। पत्रों के द्वारा विचारों को प्रेषित करना आदि साधनों की अपेक्षा सस्ता है। तो पत्रों के द्वारा हम अपने विचारों को प्रेषित करना यानी अच्छे से प्रस्तुत कर सकते हैं, अन्य साधनों की अपेक्षा क्या है, वो सस्ता है, उसकी कीमत बहुत ही कम है। अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाने, शिकायत करने, आवेदन या टाटा आदि के लिए केवल पत्रों का ही सहारा लिया जा सकता है, अन्य साधनों का नहीं। तो हम यही जो पत्र के विचार बताए हैं वो हम कर सकते हैं। ठीक है, आप जैसे टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल जैसी अत्याधुनिक सुविधा के बावजूद भी पत्र का आज भी महत्व कम नहीं, क्योंकि आज हम कहीं भी गवर्नमेंट की जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, हर एक जगह हमें पत्र लिखना पड़ता है। मित्रों, परिवारजनों तथा संबंधित अधिकारी को पत्र लिखने के अवसर आते ही, अतः पत्र की कला का ज्ञान होना आवश्यक है। बिल्कुल करेक्ट बात है, पत्र लिखना एक कला है। पत्र लिखना क्या है, एक कला है। सबसे पहले तो हमें पत्र में दाई या बाई जो हमारे स्टैंडर्ड के पीछे बताया गया है, तो हमें अपना नाम, एड्रेस जिसको हम भेज रहे हैं वो, फिर संबोधन, फिर हम अपनी बात व्यक्त करते हैं, जो भी होता है वो लिखते हैं। हम एड्रेस में क्या करते हैं, आपका आज्ञाकारी शिष्य, अगर हम अपने शिक्षक को लिख रहे हैं, अपने मेरा प्रिय मित्र, जो भी हो हम पत्र के अंत में लिखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अभी आपको पता है कि विशाल गवर्नमेंट हमारे एग्जाम ले रही है, सो उसके अकॉर्डिंग हमें पूरी एक बुक हमें क्या करना है, लर्न कर देना है। पूरी एक बुक हमें क्या करना है, अच्छे से रेडी कर देना है। ठीक है, पत्र लिखने के रूप है व्यक्तिगत पत्र। इस पत्र में अपने परिवारजनों और मित्रों को लिखे जाते हैं। व्यक्तिगत पत्र में क्या होता है, हम अपने परिवारजन और अपने मित्रों को लिखते हैं। जैसे निमंत्रण पत्र, जैसे किसी के घर में शादी विवाह जो होता है ना, बधाई पत्र, जैसे कोई पास हो गया या किसी को जॉब मिल गई, तो हम और आश्वासन पत्र यानी कोई फेल हो गया है तो
आपकी बात रहे, जैसे कि सपोज मैं हॉस्टल में रह रही हूँ और मुझे कहीं जाना है, तो मैं अपने पिताश्री से परमिशन लेने के लिए क्या करूँगी, उनको पत्र लिखूंगी। कार्यकारिणी पत्र में पत्र अधिकारियों को उनसे संबंधित मामलों में शिकायत करने के लिए लिखे जाते हैं। ये पत्र अधिकारी को उनसे संबंधित मामलों में शिकायत करने के लिए लिखे जाते हैं। व्यवसाय पत्र, ये पत्र किसी व्यापारी से संबंधित वस्तु मंगाने के लिए लिखे जाते हैं। तो मैंने आप लोगों को औपचारिक और अनौपचारिक दो, इन तीनों को मिलाकर दो बना दिए, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र। कितने प्रकार के होते हैं वैसे देखा जाए तो नहीं, लेकिन मैंने आपको सिंपल तरीके पर पत्र दो तरह के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। आप योग्यता
किसी अधिकारी को मान्यवर महोदय निवेदित प्राथमिक निवेदिका, ठीक है। सो आपको पता चल गया। तो इस प्रकार में विभिन्न प्रकार के पत्रों के नमूने दिए गए हैं, उनको आपको क्या करना है, ध्यान पूर्वक पढ़िए और प्रत्येक पत्र के विशेषताओं को समझिए या ध्यान में रखिए। इस प्रकार के अनुसार पत्र में खास तौर पर कौन सी बातें लिखी जाती है। हाँ बिल्कुल, जैसे आप अपने दादा को पत्र लिख रहे तू कैसा है, ऐसे लिखोगे नहीं, उन्हें हम संबोधन आ जाएंगे। इस तरह से उनका क्या करेंगे, संबोधन करेंगे। तो आज आपको पत्र के विषय में अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो पत्र में जो लिखने वाली खास बातें क्या है, पत्र में सबसे ऊपर बाई ओर अपना पूरा पता और दिनांक लिखे। जिसे पत्र लिखना हो उसके लिए बाई ओर शिष्ट भाषा में संबोधन लिखे। इसके बाद पत्र के मुख्य कलेवर पर विषय वस्तु प्रस्तुत करें। पत्र के अंत में नीचे बाई ओर पत्र लिखने वाला अपना संबंध और नाम लिखें। पत्र में मित्र या सखी, अपने से छोटों के लिए तुम सर्वनाम तथा अपने से बड़ों के लिए आप सर्वनाम का प्रयोग करें। पत्र अधिक लंबा ना हो और उसमें आवश्यक बातें भी लिखी जाए। पत्र में बोलचाल की भाषा सरल भाषा का क्या होना चाहिए, प्रयोग होना चाहिए, ठीक है। तो कब हमें किस तरह से कौन कौन से पत्र लिखना है, अभिवादन किस तरह से करना है, हमारा संबोधन क्या करना है, ये तालिका